हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम अब जाने वाले हैं और इंडियन रेलवेज के बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाने हो। हाँ, तुम भी बहुत सारी ट्रेन देखी हुई होगी ऑलरेडी। इंडियन रेलवे में बहुत सारे सफ़र कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, बट मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कुछ चीज़ें, नॉर्मल ट्रेन नहीं है। यस ऑफ कोर्स, डबल डेकर, एक ऐसे सीट्स होती हैं जो बहुत लो हैं और एक आपकी अपोजिट साइड पे। दिल्ली से जयपुर, चलो अपना कोच ढूंढते हैं। अब C7 मुझे ढूंढना है। स्टेज भी है, चलो अपना देखना है भी फटाफट। C9, दो कोचेज और। हाँ, बट इट लुक्स रियली नाइस यार, ये बहुत जमीन से टच है, तो जो लोग वहाँ बैठे होंगे एग्जैक्टली देखोगे तो हाइट इसकी ऑलमोस्ट सेम है कोचेज से, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो लोअर बर्थ है वो नीचे की साइड है, ठीक है, वो लोअर बर्थ इसका नीचे की साइड है, अपर थोड़ा सा ऊपर है एंड थोड़ा सा नॉर्मल। मेरा कोच आ गया है, सी यू, लेट मी चेक। CC7U120, किसी से कंफर्म करते हैं। 120, ये अकॉर्डिंग टू दिस सी अपर एंड लोअर, ठीक है। अब मैं एंटर करने वाला हूँ इसके अंदर। यार ऐसे वेलकम मत करो, ये वाला लोअर बर्थ में नहीं आता, ये इनका मिडल बर्थ है। तो एक यहाँ से दिस इज लोअर बर्थ, एक फिर ये वाला जीरो पे है, लेट्स चेक कि यहाँ पे कहाँ। एसी कोचेस हैं, टॉयलेट्स भी क्लीन है इसके काफी, बट वर्थ इट बहुत ज्यादा है बिकॉज 500 रुपए है यार, 4 घंटे तुम्हें ये जयपुर में पहुंचा देगी, और मैं बस के लिए यहाँ से जाऊँ ओला को, फिर वहाँ से चेंज करो, फिर वहाँ से चेंज करो। इट्स बेटर टू टेक दिस वाला, बहुत कंफर्टेबल है। अभी तो मैं बैठा भी नहीं हूँ, आराम से। अब स्पीड और क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, सराय रोहिला से जयपुर के मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, चेयर कार्ट है,
और फीलिंग ही अलग आ रही है सीरियसली कि मैं एक नई ट्रेन में बैठा हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता डबल डेकर होता है यार, डबल डेकर अलग ही लेवल है। और डबल डेकर पर लोगों को ये लगता है कि यार कैसे क्रॉस करेगा, कई गुफाएं आ जाएगी, बट आई नोटिस कि इसकी जो नॉर्मल हाइट है ना, वो देखो तुम यार नॉर्मल ट्रेन की हाइट के ही बराबर है। जो कोच है ना उसका, उसी कोच के ऑलमोस्ट हाइट इक्वलेंट है, थोड़ा लोअर पर नीचे करा गया है और ऊपर वाला एक लेवल, उसके बाद राउंड ज्यादा। That's great. तुम्हारे ईटिंग कंपार्टमेंट के लिए भी सीट्स मिल गई है, बैग्स के लिए तुम्हारे को स्पेस है। एसी कोचेस अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अमेजिंग है मेरा, तो मैं सच बताऊँ नॉर्मल सीट्स लग सकती हैं लोगों को, ये ड्रैग तो नहीं होती है पीछे, नहीं होती है। सो मेरी फर्स्ट डबल डेकर जर्नी स्टार्ट होगी। मज़ा आता है ना ऊंचे से देखने में, ये नज़ारा बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ डबल डेकर में, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर होना चाहिए। बहुत स्लो स्लो जर्नी स्टार्ट हो रही है, अभी ट्रेन भी बहुत स्लो है यार। बट सीरियसली एक बात बताऊँ, ऊपर से देखने में मज़ा आ रहा है, व्यू बहुत अमेजिंग सा लग रहा है, ऊंचा ऊंचा सा लगता है। फर्स्ट टाइम इतनी ऊंची हाइट पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना, लाइक नॉर्मल हाइट्स पे हम पहुँच नॉर्मल हाइट में बैठे रहते हैं, जो क्लोज टू हमें बहुत प्लेटफॉर्म का दिखता रहता है, तो एकदम से बैठते हो तो सब कुछ ऊँचे व्यू से दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एक्चुअली, नया नया एक्सपीरियंस। चलो बोलते बोलते ट्रेन बहुत तेज चलने लगी है। साढ़े चार घंटे अमेजिंग करने वाले हैं, क्लीन सीट्स है, एसी इज वर्किंग रियली फाइन, लोग भी अच्छे हैं काफ़ी एज कंपेरिजन टू तुम उससे करते हो स्लीपर क्लास से, तो बहुत अच्छा है। बट आई मस्ट से कि जब तुम जयपुर वगैरह जा रहे हो यार बस से, तो बहुत फार बेटर है कि तुम ऐसी कर लो, चार पाँच घंटे आराम से कटते हैं, वो अनकम्फर्टेबल रहती है ज़्यादा आई गेस। मैं पिछली बार बस में गया था तो आई नो थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए ये सिचुएशन, बट आई रियली फील कि इसमें इजी है। अरे बड़ी क्यूट सी विंडो के लिए आपको ये दिया गया है,
से बात कर रहा हूँ। कुछ सीटें टेढ़ी हैं और कुछ से हाइट में, हाइट को देखा जाए तो ठीक है अच्छी, बट द रीजन इज कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो बहुत नीचे है। यहाँ पर आराम से ये लगाओ, कंफर्टेबल है सीट्स। ओवरऑल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, मज़ा आया यहाँ तक पहुँचने में, वर्थ इट है। 500 इज परफेक्ट फॉर दिस, चेयर कार्ड के आप पे कर सकते हो। और ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ गांधीनगर बॉस। वैसे यहाँ से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं फ्लाइट के अंदर हूँ, सीट्स ऐसी लग रही है, लाइट्स भी। ओवरऑल तो भाई सबसे बड़ी बात बहुत क्लीन है, वो नॉर्मल जो फीलिंग होती है ट्रेन से कि ये साफ नहीं होती है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारी डेस्टिनेशन आ गई, मैं पहुंच गया जयपुर जंक्शन टाइम पे है। सबसे बड़ी बात होती है अगर ट्रेन टाइम पे पहुंचा देना सब बढ़िया बढ़िया है, अदरवाइज अगर ट्रेन जितनी अच्छी अच्छी हो सारी फैसिलिटीज़ और टाइम पे ना पहुँचाए ना सब वर्स्ट, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल हमारा स्टेशन आ गया है, लेट्स डिबोट। मैं एक्चुअली नीचे जाके देखना चाहता हूँ कि ये नीचे से कितना नीचे लगता है प्लेटफॉर्म। यहाँ डिफरेंस है, ये रहा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से काफी नीचे है सिटिंग, तो जो स्पेस यहाँ तक होता है दूसरी ट्रेन में वो इतना नीचे आता है, तो इसीलिए वो एडजस्ट करते हैं। जस्ट सुपर क्लोज, नॉर्मल हाइट पे देखोगे तो तुम्हें जयपुर जंक्शन पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये पार्ट बहुत नीचे है, सो द सिटिंग एरिया काफ़ी नीचे करने के बाद तो इसको एडजस्ट करा है। क्यों क्यों एडजस्ट करना पड़ता है मैं तुम्हें लॉजिकली आंसर देता हूँ। ट्रेन की हाइट ऊपर नहीं कर सकते, ट्रेन का जो कोच होता है वो हाइट ऊपर नहीं हो सकती, बिकॉज जो लाइन होती है ना ट्रेन की, जो वायर्स, ये वाली वायर्स, ये एक फिक्स्ड हाइट पे होती है कि सारी ट्रेन को मिल सके, समझे। अगर इसको ऊंचा कर देंगे तो इसके लिए भी वो ऊंचा करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा खर्चा है एक पर्टिकुलरली ट्रेन के लिए। तुम्हें पूरी लाइन, यानी कि समझ लो पूरी रेलवे ट्रैक के अंदर वो जो लाइन्स हैं वो चेंज करनी पड़ सकती है। सो लॉजिकल आंसर दीजिए। तो तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ नया देखा हो मेरे ब्लॉग में ट्रैवल विद सामल में, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबा के लाइक और कमेंट में भी है तुम आंसर दे सकते हो कि तुमने ऐसी ट्रेन देखी है या ट्राई करना चाहते हो। और ट्राई करिए तो प्लीज़ प्लीज़ हर बार मुझे बताओ कौन से ट्रैक पे, यानी कि कौन से डेस्टिनेशन पे ऐसी ट्रेन चलती है, या और भी कोई ऐसी ट्रेन्स हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक्स।